अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जीएमसी हंदवारा की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी अभी निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फॉर्म आपको कब से कब तक फिलअप करने हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं जीएमसी हंदवारा की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन आप दिख रही होगी एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट है। यहां पे आप डेट भी देख सकते हैं 15 अप्रैल यानी कि आज की ये नोटिफिकेशन है। अभी अभी जो जीएमसी हंदवारा है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट अगेंस्ट द पोस्ट्स डिटेल्ड इन एनेक्स ए ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस, यानी एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस होता कॉन्ट्रेक्चुअल पे। एक साल के लिए यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 6 साल तक, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है, तो उस हिसाब से आपको फिर वो और वहां पे काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि 6 साल तक आपको यहां पे काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन पहले बार आपको जो है वो 1 साल के लिए यहां पे आपको दिया जाएगा। तो पोस्ट्स के बारे में देख लेते हैं और उनके बारे में एलिजिबिलिटी देख लेंगे। सबसे पहले यहां पे अगर आप देख लोगे, सबसे पहले लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस की 19 पोस्ट हैं। इनमें एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 होना चाहिए साइंस में, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स में। इसमें आपका जो सिलेक्शन रहने वाला है, सिलेक्शन आपको 10+2 के मार्क्स जो होंगे वो आपको 60 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, डिप्लोमा के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, डिग्री प्लस डिप्लोमा के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी डिग्री है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट पे आपको वाइवा रहेगा 20 पॉइंट्स का, इसी के हिसाब से आपकी यहां पे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसी तरह से यहां पे आपका टेक्निकल लेब असिस्टेंट, इसकी 9 पोस्ट हैं सेम, इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देख लोगे टेक्निकल थिएटर असिस्टेंट, इसमें 4 पोस्ट रहने वाली है, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की 5 पोस्ट रहने वाली है। उस तरह से यहाँ पे आप नीचे आके ऑडियोमेट्री टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट रहने वाली है, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है, इसमें यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की आपको 6 पोस्ट रहने वाली है, उसके बाद यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट रहने वाली है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट रहने वाली है। उसी तरह से यहाँ पे आपको जूनियर स्टाफ नर्स की 50 पोस्ट यहाँ पे आपको रहने वाली है, इसमें यहाँ पे आपका 10+2 साइंस में होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या जनरल नर्सिंग आपकी होनी चाहिए, या बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास है वो भी आपका यहाँ पे चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए बी फार्मेसी में, या 10+2 आपका साइंस में होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए डी फार्म या बी फार्म हो, तब जाके आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम, इसकी यहाँ पे 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 105 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज होकर आई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 1 साल के लिए, एक्सटेंड भी किया जाएगा 6 साल के लिए, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे आपका एंट्रेंस भी इसमें रहेगा, किस तरह से आपको सिलेक्शन हो जाएगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने 16 अप्रैल यानी कि कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो कल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो वेबसाइट में हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देख लोगे, लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म्स की है वो आपको 29 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। सिलेक्शन का अगर हम मोड देखें, इसमें यहाँ पे ऊपर जिस हिसाब से मैंने आपको बोला पॉइंट्स किस हिसाब से मिलेंगे, जैसे आपको क्वालिफिकेशन के मिलेंगे, उसके बाद 10+2 के 60 पॉइंट्स मिलेंगे, देन उसके बाद आपका वाइवा जो रहेगा उसके 20 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, उसी तरह से यहाँ पे आपको इसमें सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी जीएमसी हंदवारा की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।